नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश में नगर निगम मेयर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी क्रम में फिरोजाबाद शहर के पालीवाल हॉल में सभी वार्डों के पार्षदों सहित सैकड़ों लोग स्क्रीन पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संबोधन को ध्यान पूर्वक सुना। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान अली की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के उपयोगी योगी आदित्यनाथ जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री हरदीप, ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के चेयरमैन श्री नवीन जैन जी, काशी में उपस्थित और देश के कोने कोने से जुड़े आप सभी मेयर साथियों और अन्य सभी महानुभाव भाई और बहनों, काशी के सांसद के नाते मेरी काशी में मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे लिए ये बहुत ही एक और बनारस जैसा दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक स्थान और दूसरी ओर आधुनिक भारत के आधुनिक शहरों की रूपरेखा। पार्षद जी, आज कार्यक्रम है पालीवाल हॉल में चला, किस तरीके का कार्यक्रम और क्या है ये? माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी जी के द्वारा पूरे देश में जो मेयर हैं, सभी राज्यों के मेयरों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें उनके द्वारा एक दिशा कि हम अपने नगर को और कैसे सुंदर समृद्ध बना सकते हैं, जो योजनाएँ हमारे भारत सरकार के द्वारा दी गई उनका क्रियान्वयन कैसे हो, इसको लेकर के उन्होंने सम्मेलन बुलाया है। और एक बहुत अच्छी रूपरेखा, मैं भी कार्यक्रम देख रहा था, उसमें भी यही दिखाया जा रहा है कि हम कुछ ऐसा छोड़ कर जाएँ जो आने वाला कल याद रखे कि उस समय पे फला मेयर थे, फला पार्षद थे और उनके द्वारा नगर में ये विकास कार्य हुए। इस प्रकार की योजनाओं को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री ने सम्मेलन किया है और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से निवेदन करूंगा कि आपके द्वारा पंचायत ग्राम प्रधानों को मानदेय तय किया गया है, तो एक बार पार्षद और सभासदों के लिए भी निगाह कर ली जाए। धन्यवाद। ये जिस तरीके से देखा जा रहा है ये कार्यक्रम मेयर लोगों का चल रहा है, पर यहाँ पर नगर निगम की जो मेयर है वो दिखाई नहीं दे रही है। नगर निगम की मेयर वहाँ कार्यक्रम में बनारस में मौजूद हैं, टीवी के पर्दे पर उनका फोटो दिखाई दे रहा है। सभी मेयर इस समय बनारस में हैं और यहाँ जो जिम्मेदारी है आयुक्त और पूरे डिपार्टमेंट की और पार्षदों के जो यहाँ मौजूद हैं। ठीक।